मोहन यादव को मिली मध्य प्रदेश की कमान। 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। पूर्व सीएम कमलनाथ ने की मुलाकात। आखिरकार करीब एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर को देखते हुए उज्जैन से विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुखिया बनाने को लेकर मुहर लगा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद से ही मोहन यादव सुर्खियों में हैं और उनको बधाई देने के लिए कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने और सीएम बनने पर मोहन यादव से मुलाकात करने पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे, जहां कमलनाथ ने यादव को बधाई दी। कमलनाथ ने इस दौरान मोहन यादव को बुके भेंट किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ देर ही सही, यादव और कमलनाथ साथ में सोफे पर बैठे और उनके बीच कुछ चर्चा भी हुई। वही मीटिंग को लेकर कमलनाथ ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। विपक्ष के नाते वह मोहन यादव को बधाई देने आए थे। मैंने उनसे कहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा वे हम करेंगे। विपक्ष में रहकर हम जनता के अधिकार की रक्षा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है, आप आए थे मिलने, उनको बधाई दी। बधाई देने मैं आया था, मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष जो विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। बीजेपी आला कमान ने एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया है। मोहन यादव के बारे में कोई दूर दूर तक नहीं सोच रहा था। सीएम रेस में कई दिग्गज थे, लेकिन सभी को साइड कर बीजेपी ने मोहन यादव को सत्ता की कमान दे दी है। अब 13 दिसंबर को राजधानी भोपाल में मोहन यादव का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम अपने पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण में कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दरअसल आगामी साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने देश में ओबीसी को लेकर एक संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं और बीजेपी प्रदेश की कोई भी सीट नहीं खोना चाहती है, जिसके चलते उसने प्रदेश में ओबीसी फैक्टर को ज्यादा तवज्जो दी है। हालांकि बीजेपी के इस निर्णय से शिवराज सिंह चौहान को झटका जरूर लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।